क्षेत्र में व्याप्त दिक्कतों और पंचायत स्तर पर होने वाली राजनीति की बहुत सुंदर तस्वीर एक वेब सीरीज पंचायत में दिखाई गई। पहले और दूसरे सीजन में इसे लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। अब इसका तीसरा सीजन जो अब भयंकर तरीके से लोग देख रहे हैं और इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं और ये काफी चर्चा में भी है। देख रहे हो विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ये डायलॉग तो शायद ही आप लोगों में से किसी ने नहीं सुना हो। विनोद, सचिव जी, प्रधान भूषण जैसे तमाम कलाकारों से सजी एक सीरीज जो इन दिनों खूब चर्चा में है, वो सीरीज है पंचायत। इसका तीसरा सीजन इन दिनों धमाल मचा रहा है और इस सीरीज के उस गाँव को कौन भुला सकता है जिसका नाम है फुलेरा, जिसे सीरीज में उत्तर प्रदेश के बलिया का बताया गया है। आज उसी गांव में हम आपको लेकर चलेंगे और सीरीज से अलग दिखाएंगे वहां की कुछ तस्वीरें। इस गांव के बारे में आप लोग सोचते होंगे कि यूपी में है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि ये गांव यूपी में नहीं बल्कि कहीं और है। पानी की टंकी, प्रधान का घर और सचिव जी के दफ्तर वाला गांव फुलेरा यूपी में नहीं बल्कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। असलियत में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सीमा से सटे सीहोर जिले के ग्राम पंचायत महोडिया में इसे फिल्माया गया है। तस्वीरें देखिए, वही पानी की टंकी है जिस पर सचिव जी और रिंकी बैठकर प्यार की प्याली से भरी चाय की चुस्की लेते हैं और ये वही घर है जिसमें प्रधान जी रहते हैं। पंचायत पार्ट 3 वेब सीरीज हालांकि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 28 मई को रिलीज की गई। पहले पार्ट से लगाकर तीसरे पार्ट तक पूरी वेब सीरीज की लंबे शेड्यूल की शूटिंग महोड़िया गांव में हुई है। इस गांव के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि उनके गांव को वेब सीरीज की शूटिंग से रोजगार और नाम दोनों हासिल हुआ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्क्रीन पर गांव को यूपी के बलिया जिले की फुलेरा ग्राम पंचायत बताया जा रहा है। ये तीसरा अभी रिलीज होगा और तीनों पार्ट हमारे यहीं पे बने महोड़िया में। ये मेरे घर पे बना है, मेरा घर जो बताया वो प्रधान का बताया है और पंचायत बनी है पंचायत भवन में और कुछ गांव में भी है थोड़ा थोड़ा सीन। और इस पार्ट में जो तीसरा जो पार्ट बन रहा है उसमें विधायक जी का रोल बताया है, उसमें सीओर का अपने सीओर का बताया है, मंत्री पेट्रोल सामने जो बाग है उसमें बंगला है उसको बताया है विधायक जी का। बाकी पूरा महोड़िया बनी और महोड़िया में जब वो लोग आते हैं बनाने तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गांव की रौनक बढ़ जाती है, गांव में विकास भी करवाते हैं। यदि गांव के लोग 5 लोग चल जाते हैं कि साहब हमें ये काम चाहिए गांव में छोटा मोटा, तो वो करवा देते हैं। नीना गुप्ता और राजपाल यादव के साथ नए कलाकारों ने गजब का काम किया है। पूरी वेब सीरीज बांधे रखती है, हर पल ऐसा लगता है कि ये कहानी हमारे जीवन के इर्द गिर्द बुनी गई है। गांव की हर एक तस्वीर को सामने रखती है। भले ही महोड़िया गांव को सीरीज में फुलेरा नाम दिया गया है, लेकिन इससे यहां के ग्रामीण खासे खुश नजर आए। अब सीरीज के साथ साथ गांव को भी लोग पहचानने लगे हैं। सीहोर से न्यूज 18 के लिए प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट। खंडवा में 200 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, लेकिन यहां आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं है। गुजरात के राजकोट और दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद न्यूज 18 की टीम ने खंडवा के अस्पतालों का जायजा लिया। यह है खंडवा का मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल। 200 करोड़ की लागत से बनी शानदार इमारत, चमचमाती बिल्डिंग और भीतर से दूधिया रोशनी में नहाई चमचमाती व्यवस्था, सब कुछ शानदार लग रहा है, लेकिन आपात स्थिति के लिहाज से देखें तो ये इमारत खतरनाक स्थिति में है। वजह है इस इमारत में फायर सेफ्टी सिस्टम का नहीं होना। गुजरात के राजकोट और दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल में लगी आग के बाद न्यूज 18 की टीम ने इस अस्पताल के फायर सेफ्टी सिस्टम का जायजा लिया। इस दौरान पता चला कि बिल्डिंग में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और नोजल पंप बंद है। आग लगने की स्थिति में फायर एग्जिट प्लान भी नहीं है। जिला हॉस्पिटल में निरीक्षण किया गया फायर सेफ्टी की दृष्टि को देखते हुए,
तो वहाँ पर जो भी कमियाँ पाई गई है उससे सिविल सर्जन सर को और वहाँ के स्टाफ को, प्रबंधक को अवगत करा दिया गया और आगे की रिपोर्ट, आगे की कार्रवाई के लिए आयुक्त सर को रिपोर्ट दे दी गई है। न्यूज 18 की टीम के रियलिटी चेक के बाद फायर सेफ्टी विभाग ने अस्पताल की जांच की और कमियों को दूर करने को कहा है, लेकिन अस्पताल में लापरवाही की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस इमारत से तकरीबन 4 करोड़ रुपए के सेफ्टी उपकरण चोरी हो चुके हैं। 3 साल पहले बनी इस इमारत से पिछले 2 सालों में उपकरणों के चोरी होने का सिलसिला लगातार जारी है। उससे बड़ी लापरवाही ये है कि मेडिकल कॉलेज ने आज तक फायर NOC भी नहीं लिया है। टीम आई थी तो यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के जो फायर फाइटर, वो फायर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाए उसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट चोरी हो गए हैं। डीन साहब ने उसको संज्ञान में लिया है और शीघ्र ही वो कह रहे हैं कि नए खरीद के उनको लगाया जाएगा। पुरानी बिल्डिंग में क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे थे, पुरानी बिल्डिंग है, हम लोग उसी से सिलेंडर से ही उसका करते हैं और वो हमने चेक करा लिए हैं, सभी अंडर एक्सपायरी हैं और भरे हुए हैं। न्यूज 18 की टीम के अस्पताल में रियलिटी चेक में खामियां उजागर होने के बाद खंडवा नगर निगम का अमला भी एक्टिव हुआ। निगम ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल समेत तमाम सरकारी गैर सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी की खामियां 15 दिन में दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कुछ कमियां पाई गई थी, तो ये कमियां मुख्य रूप से जो O&M से संबंधित थी, क्योंकि फायर सिस्टम लगाया गया था नई बिल्डिंग में, लेकिन उसमें कुछ फायर सिस्टम कम थे, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर कम थे और साथ ही जो उनका नोजल वगैरह है वो नहीं थे उन जगहों पर, तो उसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया है। गुजरात के गेमिंग जोन और दिल्ली के बेबी केयर यूनिट में आग के बाद देश भर में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। खंडवा में भी नगर निगम ये ऑडिट करा रहा है और इस ऑडिट में खंडवा का मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल फेल नजर आया है। जब टीम यहाँ पहुंची और फायर ऑडिट किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ के कई संसाधन ऐसे हैं जो या तो बंद है या खराब स्थिति में है। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा।